हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम उत्तर प्रदेश बीएड की जो संयुक्त परीक्षा होती है उसके इम्पोर्टेंट जो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सोशल साइंस से रिलेटेड, सोशल साइंस से रिलेटेड हम उन प्रश्नों पर फोकस करेंगे और उनकी तैयारी करवाएंगे। इसी चैनल पे हम इस पे डिस्कस करेंगे सोशल साइंस से रिलेटेड सारे फैक्चुअल्स, जर्नल साइंस के क्वेश्चंस इसी में डिस्कस करेंगे, और हम इसमें इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्योंकि मुझे बेहतर तरीके से पता है कि मैंने बीएड का 2 बार यूपी बीएड का एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, वो भी बहुत बेहतर रैंक से, है ना। एक बार 25 एंड एक बार कुछ 11, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने एनसीईआरटी के द्वारा एक संयुक्त परीक्षा कराई जाती है जिसे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बोला जाता है। ये एनसीईआरटी RIE के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनसीईआरटी के जो होते हैं उनके द्वारा। तो इसमें इसके पूरे एनसीईआरटी के जो आरआई के जो सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में 5 सेंटर्स हैं। उत्तर भारत का सेंटर अजमेर में है, राजस्थान में। इसमें यूपी से 11 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, उसमें मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ। अनफॉर्चुनेट मेल को लेट में मैंने सीन किया, इसकी वजह से मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया काउंसलिंग में, दैट्स वाई मैं उसमें नहीं हो पाया। तो हम ये इतना सारा आप मेरे पास इसका एक्सपीरियंस है, तो इसके बेसिस पे कुछ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और वो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम उसमें डिस्कस करेंगे सब सभी बीएड जो सोशल साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सबको। तो अगर आप चैनल पे न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही हमारे इस चैनल पे हम आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट्स, साथ में एमए एंड बीए से जो एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंस नोटिस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट करते हैं। इस बार जो मैंने किया मोस्ट ऑफ द 100% सेम क्वेश्चन आए जो मैंने प्रेडिक्ट किया। इसके साथ कुछ मेरे ब्लॉग्स हैं और इनको मैं बना रहा हूँ। भूदर्शन सीरीज में हम डिस्कस किया है हमने यूपी बोर्ड में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं 10th में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे। आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी को सजेस्ट भी कर सकते हैं। निपुण सीरीज हमारी क्लास 9th के लिए है, इसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं सोशल साइंस के। ब्रह्मास सीरीज यूपी बोर्ड और सीबीएसई के जितने भी यूपी बोर्ड और सीबीएसई के 10th क्लास के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, इसमें इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है, जो बेहतर आपकी प्रिपरेशन को बना सकते हैं। आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट चैप्टर्स की आपको एमसीक्यू यहाँ पर मिल जाएंगे। इंडिया थ्रू मैप, इसमें मैंने फर्स्ट सेकेंड चैप्टर 2 बताया है। इंडिया स्टेट, इंडियंस नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया की लोकेशन साइज, इसके बारे में डिस्कस किया है और इसमें और आगे आते रहेंगे। रिमोट सेंसिंग के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे हम अकॉर्डिंग टू द लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है। अभी इस पे एक वीडियो है और फर्दर हम आगे वीडियोस बनाएंगे और इसमें अपलोड करेंगे। साथ में टर्मिनोलॉजी को भी मैं डिस्कस करता हूँ। मैप वर्क, यहाँ पे नोट्स आपको मिलेंगे पूरे यूपी बोर्ड में जितने भी आपको मैप वर्क आते हैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के, सारा मैप वर्क इसमें है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आपके जो 10 मार्क्स होते हैं
यूपी बोर्ड में मैप बेस्ड वो आप यहाँ से ला सकते हैं। इसमें हम जियो करंट न्यूज पर फोकस करते हैं जो चल रही है, लाइक अर्थक्वेक, साइक्लोन एक्सेट्रा। इसके साथ ऑटोबायोग्राफी जो है जियो लेजेंड्स की हम डिस्कस करते हैं, जो जियो लेजेंड्स हैं जो इस पृथ्वी पर महान कार्य किया है उनकी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, बायोग्राफी उनकी। साथ में एसएससी को आपको प्रैक्टिस पीवाईक्यू मिल जाएंगे, पेट के पीवाईक्यू एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको, और पीजीटी और जीआईसी के पीवाईक्यू मिल जाएंगे। इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको कन्वेंशन साइट्स और उसके वो मिल जाएंगे, ठीक है। ये एक ऑलमोस्ट आपके एक कंप्लीट या होलिस्टिक आपकी प्रिपरेशन इस चैनल पे होगी। दैट्स वाई आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। अब हम शुरू करेंगे अपने मंथ वाइज जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, जो नेशनल, ठीक है, राष्ट्रीय एंड अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, महत्वपूर्ण जो भी दिवस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। और वो मंथ वाइज, जनवरी मंथ में, जनवरी मंथ की 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस है ना, भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस है ना, विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को युवा दिवस, युवा दिवस, 12 जनवरी, 12 जनवरी युवा दिवस हो गया। 15 जनवरी को, 15 जनवरी थल सेना दिवस, राष्ट्र 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 के बाद 26 जनवरी की हम अगर बात करें तो 26 जनवरी, इससे पहले 25 को डिस्कस कर लेंगे हम। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ना, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 26 जनवरी भारत का राष्ट्रीय पर्व जिसे कहते हैं, इस दिन भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क है ना, सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण आपके डेज हो गए, इनको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और प्रिपेयर कर लीजिए। फरवरी में चलते हैं तो सबसे पहले 1 फरवरी की हम बात करेंगे तो तटरक्षक जो बल था उसका स्थापना दिवस, स्थापना दिवस 1 फरवरी को। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस है ना, वेटलैंड, विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी। 2 फरवरी के बाद 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, लिख लीजिए,
विश्व कैंसर दिवस। और विश्व कैंसर दिवस के साथ ही इस दिन 4 फरवरी को क्या हुआ था, श्रीलंका आजाद हुआ था, श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस है ना, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है श्रीलंका 4 फरवरी। 21 फरवरी इक्कीस 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस है ना, अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस 21 फरवरी। वही 28 फरवरी को, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ना, विज्ञान दिवस। तो 1 फरवरी को तटरक्षक बल स्थापना दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस या श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद आता है मार्च। मार्च में स्टार्ट करते हैं 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ये 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता जागो, ग्राहक जागो, उपभोक्ता अधिकार दिवस, अधिकार दिवस है ना। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस 21, 22, 22 मार्च को सबसे विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। साथ ही में अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, बिहार दिवस, प्यारा बिहार है ना, बिहार दिवस 22 मार्च। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। इसके बाद 26 मार्च को देश का स्वतंत्रता दिवस है ना, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 उपभोक्ता अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 21 विश्व वानिकी दिवस, 22 विश्व जल दिवस और बिहार दिवस इसी दिन, 23 मार्च विश्व वैज्ञानिक मौसम विज्ञान दिवस 23 को, और 26 को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस। ये आई होप आपको ये मार्च के समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट मंथ पे चलते हैं, अप्रैल पे। तो अप्रैल में 1 अप्रैल, जो कि 1 अप्रैल
को हम कुछ नहीं कहेंगे, है ना, वो तो आपको पता है। तीन को, 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच, है ना, रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय नौ वाहन दिवस, नौवाहन दिवस, समता दिवस, है ना, समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 की अगर हम बात करें, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 8 की बात करें, 8 अप्रैल तो राष्ट्रीय सेना दिवस, राष्ट्रीय सेना दिवस 8 अप्रैल को। अप्रैल में ही एक 13 अप्रैल को कांड हुआ था, जिसे हम जानते हैं जलियावाला बाग कांड, है ना, जलियावाला मशहूरी है ना, बाल कांड, सॉरी बाघ हत्या कांड, है ना, हत्याकांड दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद 14 को अंबेडकर जी की जयंती, हमारे अंबेडकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ 22 की अगर हम बात करें, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 के बाद 24 को मानव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानव एकता दिवस। साथ में 24 अप्रैल को ही भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, है ना, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें अगर हम एक 24 के साथ 23 की बात कर लें, 23 को भी, 23 की तो उस दिन विश्व पुस्तक दिवस, विश्व पुस्तक दिवस एवं कॉपीराइट, है ना, कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट हुए मार्च अप्रैल के, 1 अप्रैल मूर्ख दिवस के रूप में। लेकिन इस दिन भारतीय रिजर्व बैंक, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, और इसी दिन से भारत का जो नया सत्र होता है, फाइनेंशियल जो सत्र होता है फाइनेंशियल सत्र, वो स्टार्ट होता है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 5 को राष्ट्रीय नौवाहन दिवस, 7 को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 8 को राष्ट्रीय सेना दिवस, 13 यानी 13 को जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस, 14 को अंबेडकर दिवस, 22 को विश्व पृथ्वी दिवस, 24 को मानव एकता दिवस या पंचायती राज दिवस, 23 को विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अप्रैल के बाद मई आता है, तो मई में 1 मई,
फर्स्ट मई को हम विश्व श्रमिक, है ना, विश्व श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। वही तीन की बात करें, 3 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस और सूर्य दिवस के रूप में, सूर्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर ओनली वन सोर्स ऑफ द एनर्जी जो है वो सिर्फ सन ही है, ठीक है, इसीलिए ऊर्जा दिवस या दिवस। और 3 को साथ में याद रखिएगा, 3 को ही विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही 8 मई की अगर हम बात करें तो विश्व प्रवासी दिवस, प्रवासी पक्षी दिवस, है ना, पक्षी दिवस दिवस के रूप में। प्रवासी पक्षी दिवस, और इसके साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस, है ना, विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 11 की अगर हम बात करें ग्यारह को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 मई को। 11 मई के साथ 17 17 को सत्रह मई को विश्व दूर संचार दिवस, अठारह अगर हम बात करें, 18 को पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस, है ना, पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस। इस दिन न्यूक्लियर एनर्जी का टेस्ट किया गया था पोखरण में। 22 को 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 28 मई को नेपाल का गणतंत्र दिवस, नेपाल का गणतंत्र दिवस 28 को। अट्ठाईस के बाद कुछ एक दो और हैं, 29 को हम माउंटेन माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में, इसे ही इंटरनेशनल माउंटेन डे भी कहा जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल माउंटेन डे, है ना, इंटरनेशनल माउंटेन डे के रूप में भी मनाया जाता है। विश्व तंबाकू एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 31 मई को मनाया जाता है,
विश्व तंबाकू है ना, तंबाकू निषेध दिवस, निषेध दिवस। साथ में अगर हम प्रेस डे या पत्रकारिता, तो वो 30 मई को हिंदी पत्रकारिता पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस, 3 को विश्व अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस या सूर्य दिवस या प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में, 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 को अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 17 को विश्व दूर संचार दिवस, 18 को पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस, 22 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 22 को 28 को नेपाल का गणतंत्र दिवस, 29 को माउंट एवरेस्ट या इंटरनेशनल माउंटेन डे के रूप में, 30 को वहीं पे हिंदी पत्रकारिता दिवस, 31 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जून की हम बात करेंगे, तो जून में 5 जून को, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को, 10 जून विश्व भूगर्भ जल दिवस है ना, भूगर्भ जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 को बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में, निषेध दिवस के रूप में 12 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 को मनाया जाता है, 14 जून को विश्व रक्तदाता है ना दिवस के रूप में मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण और अनावृष्टि की रोकथाम के लिए हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 है ना, मरुस्थलीकरण जो बढ़ रहा है एवं अनावृष्टि एंड अनावृष्टि की रोकथाम के लिए, दिवस मनाया जाता है। इसके साथ 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 20 के बाद 21 में हम अंतर्राष्ट्रीय योग, हाँ 21 जून का अगर बात करें, 21 जून सबसे फेमस है योग दिवस, योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ विश्व हाइड्रोग्राफी है ना, हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय, नेशनल स्टैटिस्टिक डे है ना, सांख्यिकीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आई होप आपको ये जून के उसके क्लियर हो गए होंगे। इसमें आप 5 जून हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, उनको आप बेहतर तरीके से तैयार रखिएगा। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 10 जून विश्व भूगर्भ दिवस, 12 बाल श्रम निषेध दिवस, 14 विश्व रक्तदाता दिवस, 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस और 21 योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे 21 जून
इसको भी आप याद रख सकते हैं। जुलाई की हम बात करें मंथ में, तो फर्स्ट को चिकित्सा चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। फर्स्ट जुलाई, 1 जुलाई को। वही 11 जुलाई सबसे फेमस है, जिसे हम विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व जनसंख्या के बाद 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला, है ना, नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला गांधी ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। 19 जुलाई को सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंक का राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में मनाया जाता, राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद इसमें एक डेट आती है जो 26 जुलाई जुलाई 1999 में, उसे कारगिल स्मृति दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, जिससे पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा गया था। इसमें इतने इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है चिकित्सा दिवस, सेकंड अगर हम डिस्कस करें तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, 18 को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे, 19 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस, 26 को कारगिल स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगस्त में, इसमें अगस्त में कुछ फेमस है, 6 अगस्त या 6 अगस्त, इसे हम विश्व शांति दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था, हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अमेरिका ने 9 को नागासाकी पे, है ना, नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और विश्व शांति दिवस, और 9 को नागासाकी दिवस, इस पे इन दोनों द्वीप हैं जापान के जिसमें अमेरिका ने बम गिराए थे। 9 को ही हम विश्व आदिवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, है ना, 9 को हम विश्व आदिवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 14 अगस्त को आप लोग बताइए क्या हुआ था, अपना छोटा भाई है जिसे बच्चा बोलते हैं, पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता दिवस के रूप में पाकिस्तान मनाया जाता है। और 15 को अपना राष्ट्रीय पर्व होता है, जिसे हम भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 29 अगस्त को। आई होप आपको ये डेज क्लियर हो गए होंगे। सितंबर की हम अगर डिस्कस करें तो 5 को शिक्षक दिवस, 5 को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 को हम विश्व साक्षरता
दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 के बाद 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और ये पखवाड़ा भी चलता है। इसका 16 को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन डिप्लेशन जो हुआ है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं और या इसे ओजोन ओजोन परत क्षरण, है ना, परत संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। सितंबर में ही 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, है ना, शांति दिवस, और 27 को वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस, पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें आप कुछ आपको बेहद जरूरी तरीके से याद रखना पड़ेगा। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, 14 को हिंदी दिवस, 16 को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस या ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, अक्टूबर की डिस्कस करेंगे हम, तो इसमें 1 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय, है ना, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं 2 अक्टूबर को काफी सारी गांधी जयंती, है ना, गांधी जी की जयंती, गांधी जयंती के रूप में, गांधी और शास्त्री जी, शास्त्री जयंती के रूप में, क्योंकि 2 लाल थे भारत के जो एक ही दिन जन्मे थे, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी। अब गांधी जी अहिंसावादी थे, याद रखो, तो इसीलिए इसे अहिंसा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, है ना, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसका 6 अक्टूबर को विश्व वन्य जीव, वन्य प्राणी दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 को हम राष्ट्रीय वायुसेना दिवस, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 अगस्त अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, है ना, विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है हमारा, 16 को, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, है ना, 16 को विश्व खाद्य दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। आप ऐसे ही नोट करके लिख लीजिए मंथ वाइज, है ना। नवंबर की बात करेंगे तो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, है ना, जागरूकता
दिवस के रूप में मनाया जाता है? 9 नवंबर को हम राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस, साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 की हम बात करें, 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ना, शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, बाल दिवस आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कब मनाते हैं। वैसे 14 को बाल दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि चाचा नेहरू की याद में है ना, नेहरू जी की याद में। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में। 16 के बाद 19 को विश्व शौचालय दिवस के रूप में। इसके बाद 26 को हम, 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है ना, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद दिसंबर में हम डिस्कस करें अगर, तो 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस है ना, जिसमें रेड रिबन बांधते हैं हम लोग। 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी के रूप में, त्रासदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन आइसोसाइनाइड भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है, इसमें गैस का रिसाव हुआ था, इससे काफी लोग मर गए थे है ना, इसलिए इस दिन को हम भोपाल गैस त्रासदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 दिसंबर को हम राष्ट्रीय नौसेना दिवस है ना, राष्ट्रीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 दिसंबर, 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 दिसंबर को सार्क दिवस, इस दिन सार्क कंट्रीज की स्थापना हुई थी। 10 को मानवाधिकार है ना, विश्व मानवाधिकार अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं 10 दिसंबर को। 14 दिसंबर को हम राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं, संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 को हम विजय दिवस है ना, 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसमें एक और है, 28 दिसंबर है ना, 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी मुंबई में कांग्रेस पार्टी स्थापना, इसलिए स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
आई होप आपको ये दिवस की जो जानकारी थी देश की ये अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप, थैंक यू सो मच, आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब पर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे किस उस पर वीडियो बनाना है जल्दी से वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच अगेन।